हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैटीनाज एक्टिविटी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों ने चिकन तो बहुत ही खाया है, चिकन की रेसिपीज़, बट आज मैं एक स्पेशल रेसिपी बनाऊँगी, वो महाराष्ट्रियन स्पेशल चिकन मलवानी, वो मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, यहाँ पे 500 ग्राम्स चिकन है, मैं इसे अच्छे से वॉश करके रखी हूँ। यहाँ पे एक कोकोनट का पीस है, ये रॉ कोट कोकोनट है, ड्राई वाला नहीं है, तो आप ड्राई भी ले सकते हो इसके जगह। यहाँ पे 1 टीस्पून गोटा जीरा, यहाँ पे 2 टीस्पून गोटा धनिया, 1 टीस्पून गोटा गोल मिर्च, 1 यहाँ पे 1/2 टीस्पून सौंफ, यहाँ पे दालचीनी, 2 इलायची, 2 लौंग और एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, देखिए अ पिंच ऑफ जायफल। यहाँ पे 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और यहाँ पे है स्लाइस्ड अनियन 1, ये स्मॉल साइज़ का है, और यहाँ पे स्मॉल साइज़ का 2 चॉप्ड अनियन है। चलिए अब पहले इसे ड्राई रोस्ट करना है। चलिए देखते रहिए, मैं बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ाई हूँ, अब इसमें ये जो ड्राई स्पाइसेस है, ज़ीरा, धनिया, गोल मिर्च, सौंफ और गरम मसाला, पहले इसे रोस्ट कर लेंगे। इसे कुछ देर अच्छा से रोस्ट कर लेते हैं, फिर इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। देखिए ये रोस्ट हो गया है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब मैं ये कोकोनट को ड्राई रोस्ट करूँगी, इसे हल्का फ्लेम में ड्राई रोस्ट करेंगे। देखिए कोकोनट भी रोस्ट हो गया, मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। अब इसी कढ़ाई पे मैं ज़्यादा नहीं, 1 स्पून ऑयल दूंगी, और जो ये स्लाइस्ड अनियन है इसे फ्राई कर लूँगी। देखिए ये अनियंस हाफ डन फ्राई हो गया, बस मैं इसी स्टेज में से निकाल लूँगी। अब ये सब ये ड्राई रोस्टेड स्पाइसेस, कोकोनट और ये अनियन जो मैं फ्राई किया, अब ये सब को एक साथ ही पेस्ट, थोड़ा सा पानी अगर लगा तो दे करके मैं इसे अच्छा से स्मूथ पेस्ट बना के रखूँगी। पहले इसे ठंडा हो जाने देते, तब तक सेकंड प्रोसीजर में आते हैं। इसी कढ़ाई पे मैं और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देती हूँ। मैं यहाँ पे 5 स्पून ऑयल ऐड की, अब गैस भी ऑन कर देते हैं, और ये जो चॉप्ड अनियन है इसे मींस ऑलमोस्ट 70-75% फ्राई करेंगे। ठीक है, चलिए फ्राई कर लेते हैं इसे। देखिए जैसे मुझे चाहिए था, ये अनियन फ्राई हो चुके ऑलमोस्ट 70%। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। अब सॉल्ट, अब कुछ देर इसे अच्छा से फ्राई करना है। लेकिन कुछ देर फ्राई होने के बाद मैं इसमें ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून टर्मरिक और 1 टीस्पून चिल्ली पाउडर दे दूंगी। देखिए इसे अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। अब कुछ देर इसी मसाला में इसे फ्राई करेंगे। देखिए ये बहुत अच्छा से फ्राई हो चुका है सब मसाला। अब मैं इसे पानी में स्विम करने के लिए छोड़ देती हूँ। ये अच्छा से स्विम होने दीजिए इसी पानी में।
तो मैं मजाक कर रही थी एक्चुअली। तो चलिए अब इसी पानी में ये कुक हो जाए, इसे ढक देते हैं। ये थोड़ा मीडियम फ्लेम में कुक होने दीजिएगा और वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं, इसी में कुक हो जाए। तब तक वो मैं मसाला ये वाला ठंडा हो गया, इसे पेस्ट कर लूँ। चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद। चलिए देखते हैं चिकन कितना दूर कुक हुआ है। ये देखिए ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अब ये जो पेस्ट वाला जो मस्त, देखिए मैं इस तरीक़े से पेस्ट की, ये पेस्ट वाला मसाला स्पाइसेस में जो पेस्ट की हूँ इसे ढाल देती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी, देखिए वही मिक्सर को मैं धो के और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर चुकी हूँ कि उतना मसाला वेस्ट नहीं करना मुझे। अभी इसे अच्छा से मिक्स करूँगी और इस मसाले में भी कुछ देर कुक होने के लिए ये चिकन को छोड़ देते हैं, अच्छा से मिक्स कर देंगे। इसमें बहुत लोग टैमरिंड भी ढालते हैं, इमली भी ढालते हैं थोड़ा खटास के लिए। मैं ऐड नहीं करूँगी टैमरिंड, क्यों मुझे खटास नहीं करना है, मैं कभी टैमरिंड ऐड नहीं करती हूँ, बहुत लोग ढालते हैं। तो चलिए इसे कुछ देर कुक, फिर से कुक होने के लिए ढक देते हैं। देखिए ये रेडी हो गया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। बस इतना ही ग्रेवी रखना, ये हल्का ग्रेवी रहेगा इसमें, ये पूरा सूखा नहीं होता है, इसमें हल्का ग्रेवी अच्छा लगता है। तो देखिए महाराष्ट्रियन स्पेशल स्पाइसी चिकन करी, जिसको मालवानी चिकन बोलते हैं, इज़ रेडी। या रोटी पराठा या पुलाव के संग भी खा सकते हैं, बट रोटी के संग ये अच्छा जाता है। तो डू ट्राई दिस रेसिपी और ज़रूर बताना ये कैसा लगा, एक बार ट्राई ज़रूर करना। अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, डू सपोर्ट मी। तो चलिए मैं अच्छा अच्छा रेसिपीज़ के संग भी वीडियो कभी कभी बनाऊंगी डेली व्लॉग के बीच बीच में, आप लोग देखते रहिए और अपना भी कमेंट्स करके बताना आप लोग कि किस टाइप का रेसिपी चाहिए या किस टाइप क्या, आप लोग भी अपना बातें बताना, ओपिनियन देना अपना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, आप लोग भी सावधानी से रहो। टाटा।